हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल की रीच बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको वीडियोज़ पहले की तरफ पसंद नहीं आ रहे हैं। इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी छोटी सी हेल्प ये कि आप हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने उन दोस्तों में जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। आपकी छोटी सी हेल्प मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और अगर आपको अपने साथ घटी हुई घटना मुझे बतानी हो तो एज़ यूजुअल उसे आप स्क्रीन पर दिख रहे मेरे इंस्टा आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझे पहुँचा सकते हो। हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की ओर। हम अक्सर अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, चाहे वो हमारी किसी प्रकार की ज़रूरत क्यों ना हो। अच्छा दिखना आज के युग में किसे पसंद नहीं है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। इंसान आज के दौर में अपनी ज़रूरतों के लिए कामों में इतना खोया रहता है कि अपने लिए वो मुश्किल ही समय निकाल पाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो हर चीज़ में सफल है। उसका एक परिवार है, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। शामली, जो कि बहुत ही अच्छी लड़की है, अपने कामों में व्यस्त रहती है। मुश्किल से ही अपने लिए उसे टाइम मिल पाता होगा। शामली, जो कि कंपनी में सीनियर पोस्ट में है, अपने कामों के प्रति उसका लगाव तथा मेहनत साफ साफ लोगों को दिखाई देती है। बात एक रोज की है जब शामली की कंपनी में एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। कंपनी को उस साल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, जिसकी खुशी में कंपनी के हेड डायरेक्टर सभी को एक बहुत ही बड़ी पार्टी देने जा रहे थे। शामली, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो उस रोज़ घर आने के साथ साथ ही अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस ऑनलाइन सर्च करती है। काफ़ी देर हो जाती है उसे सर्च करते करते, पर उसे अपने मन मुताबिक कोई ड्रेस पसंद नहीं आती। मोबाइल बिस्तर पर रख कर वो अब अखबार पढ़ने लगती है, और अखबार में तभी उसकी नज़र एक दुकान के एडवर्टाइजमेंट में पड़ती है, जिसमें एक डिज़ाइनर ड्रेस बहुत ही अच्छे रेट में मिल रही थी। शामली तय करती है कि ऑनलाइन की खाक मारने से अच्छा है कि वो सामने से किसी दुकान से कपड़े खरीद ले। अगली सुबह वो जल्दी से उठकर नाश्ता करके अपने घर से निकलती है और ऑफिस में हाफ डे लेकर वो उस दुकान के लिए चल पड़ती है। दुकान जो कि बहुत ही अंदर की तरफ थी, उस जगह पर लोग भी काफ़ी कम दिख रहे थे, या यूं कहें ना के बराबर ही दिख रहे थे। एक सुनसान जगह में इतना बड़ा शोरूम खोलने का क्या मतलब है, ये ख्याल शामली के मन में उस वक्त आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या उसे जाना भी चाहिए, कि वो जगह ठीक भी होगी। उसके मन में ढेरों सवाल आते हैं। पार्टी को सिर्फ 2 दिन ही रह गए थे। ये सब सोचते हुए वो दुकान के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है, सामने उसे एक कपड़ों का सेट लगा हुआ दिखाई देता है। सारे कपड़े बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, मानो किसी ने अभी अभी उन्हें बनाया हो और अभी अभी ही वहां पर सजाकर लगाया हो। शामली अपने लिए कपड़े चूज करने लगती है। वहां बहुत सारे ऑप्शंस थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उसने यहाँ आकर कोई गलती नहीं करी है। शामली को ब्लू कलर का सलवार कमीज बहुत पसंद आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वो उसे ले लेती है और काउंटर पर उसका बिल पेमेंट करने के लिए जाती है। काउंटर पर उस वक्त कोई नहीं था। वो आवाज़ लगाती है, क्या कोई है? मुझे ड्रेस बहुत पसंद आई है और मुझे लेनी है। अंदर से एक लेडी आती हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और दिखने में वो काफ़ी अजीब दिख रही थी। उसने शामली से कहा, इस ड्रेस में आप बहुत सुंदर दिखेंगी, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। शामली उसे थैंक्स कहती है और बिल पे करके उस दुकान से चली जाती है। शामली ने उस ड्रेस को एक बार उस दुकान में भी ट्रायल रूम में ट्राई किया था, फिर भी वो घर आते के साथ ही उसे ट्राई करती है और मिरर में अपने आप को निहारने लगती है। वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस ड्रेस को पहनने के साथ ही उसका लुक काफी खिल के आ रहा था। अगली सुबह वो वापस काम पर जाती है और अपने दोस्तों को अपनी खरीदारी के बारे में बतलाती है और उन्हें कहती है, अगर तुम लोगों ने भी अब तक अपने कपड़े नहीं सिलेक्ट करे हैं या फिर कुछ नया लेना है
तो उस दुकान में जरूर जाना। वहां पर सारे कपड़े बहुत ही शानदार हैं और रेट भी काफी अच्छा है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। पार्टी का वो दिन भी आ जाता है और सभी लोग पार्टी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया गया था। कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स उस वक्त वहाँ पर आए हुए थे और भी बहुत सारे लोग थे। बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ों का अरेंजमेंट किया गया था। खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम करा गया था। श्यामली ने पहले ही अपने घर में बोल दिया था कि वो उस रोज़ थोड़ी देर से घर लौट कर आएगी, क्योंकि पार्टी रात भर चलने वाली थी और उसके सारे दोस्त पार्टी में थे। वो लोग खाना खाकर सो जाएं, उसकी वेट ना करें और उसकी फिक्र भी ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक रहेगी। रात के लगभग 11 बज रहे थे और म्यूजिक बहुत ही जोरों शोरों से बज रहा था। सभी लोग गाने की धुन को एंजॉय कर रहे थे। अचानक से श्यामली को उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जिसने सेम ड्रेस पहना था। श्यामली थोड़ी सी चौंक जाती है कि आखिरकार कौन है ये लड़की जिसने हूबहू उसी की ड्रेस पहनी हुई है। मैं तो इसे नहीं जानती, पार्टी में आए हुए सभी लोगों को मैं पहचानती हूँ, फिर आखिर ये कौन है? क्या यहाँ पर किसी के साथ आई है? इसने भी उसी दुकान से शॉपिंग करी है क्या? उसके मन में अब ये सब सवाल घूमने लगे थे। उसने सोचा क्यों ना इससे जाकर बात करी जाए। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो जैसे ही एक कदम बढ़ाती है वो लड़की उसे सामने से पीछे हटते हुए दिखाई पड़ती है। उस लड़की का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा था। श्यामली को थोड़ा अजीब लगता है और वो मन ही मन बोलने लगती है, कितनी घमंडी है, अगर से बात नहीं करनी तो सामने से चली जाए, मुझे दिखाकर पीछे हटती जा रही है। ये सोचते हुए श्यामली अपना चेहरा घुमाकर वापस से अपने दोस्तों के पास चली जाती है और अपने दोस्तों से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है और अपने फ्रेंड्स को उस लड़की के क्रीपी बिहेवियर के बारे में बताती है। उसके सारे दोस्त कहते हैं, पार्टी में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जिसने तुम्हारी ड्रेस पहनी हो, हमने तो किसी को भी नहीं देखा, शायद तुम्हें वहम हुआ होगा। रमेश, जो कि पार्टी की सारी लिस्ट को बनाया था, वो सभी को जानता है, तुम एक बार उससे पूछ लो, अगर कोई पक्का हुआ तो उसे जरूर पता होगा। न जाने श्यामली को किस बात का कोतूहल सा हो गया था कि वो रमेश के पास सीधा इस जानकारी को लेने के लिए पहुंच जाती है। रमेश उसे बताता है कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसने तुम्हारी ड्रेस पहनी हो, तुम्हें किसी बात की गलतफहमी हो गई होगी। श्यामली कहती है, आई एम सॉरी, शायद मुझे ही वहम हुआ होगा। ये कहते हुए श्यामली वहां से चली जाती है और प्रिया जो कि उसकी दोस्त थी उसे ऐसे देखते हुए कहती है, शायद तुम अभी अच्छा फील नहीं कर रही हो थकान की वजह से, तुम अगर चाहो तो घर चली जाओ। श्यामली उसकी बात को काटते हुए वो कहती है, नहीं मैं अभी थोड़ी देर और रुकूंगी। प्रिया श्यामली से बात करते करते वॉशरूम की तरफ जाती है और अपना चेहरा पानी से धोने लगती है। उसे भी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। वो अपना चेहरा धोकर अभी मिरर में देख ही रही थी कि मिरर में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि उस वक्त उसे देखकर हंस रही थी। प्रिया झटके से अपना सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। वो फिर से पलटकर आईने में देखती है तो उसे एक बार फिर से वो लड़की उस आईने में दिखाई देती है और इस बार वो बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। प्रिया नोटिस करती है अब कि उसने वही सेम ड्रेस पहना है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले श्यामली बता रही थी। प्रिया जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर भागने के लिए दौड़ती है कि वो लड़की उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा आईने पर दे मारती है और देखते ही देखते प्रिया का सर फट जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा खून बहने लगता है। वो बेहद ज़ोर से चिल्लाती है लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि पार्टी में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था। श्यामली कुछ देर बाद वॉशरूम में आती है और प्रिया की अधमरी हालत को देखकर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। श्यामली बाहर जाकर चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाती है और सभी लोग उसे मिलकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ घंटे के बाद पता चलता है कि प्रिया कोमा में जा चुकी थी क्योंकि उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल गया था, बचाना मुश्किल सा हो गया था। ये सुनते के साथ ही श्यामली रोने लगती है। सभी दोस्तों को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। प्रिया के माँ बाप को फ़ोन करके बुलाया जाता है। कुछ देर बाद सभी दोस्त अपने घर लौट जाते हैं। श्यामली भी उदास सा चेहरा लेकर अपने घर लौटती है
और अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ उसे संतावना देते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जाओ चेंज कर लो, काफ़ी रात हो गई है। रात क्या, अब तो सुबह ही होने वाली है। शामली का माथा चूमते हुए उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। शामली चेंज करती है और सोने के लिए अपने बेड पे चली जाती है, बट उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रह के प्रिया का चेहरा उसे दिखाई दे रहा था और वो सोच रही थी कि इतनी सीधी सादी लड़की को इतनी बुरी तरीके से कौन मार सकता है। शामली को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते वो थक जाती है और आखिरकार उठकर अपने रूम की खिड़की को खोलती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। सडनली उसे वही लड़की जो कि उसे पार्टी में दिखी थी सामने एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है, और इस बार ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा डरावना था। शामली की बोलती बंद हो गई थी और उसे वो लड़की साफ पता लग रहा था कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी। भला कोई नॉर्मल लड़की इस टाइम पर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर क्यों बैठेगी। उसे देखकर शामली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शामली को देखकर वो उस वक्त मुस्कुरा रही होती है कि अचानक से वो लड़की उसकी तरफ उड़कर उसकी खिड़की की तरफ आने लगती है। शामली जोर से अपनी खिड़की का दरवाजा बंद कर देती है और दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता चेक करने के लिए उसके रूम में आते हैं और खिड़की को खोलते हैं। उस वक्त वहां पर कोई भी नहीं था। शामली जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है जो अभी प्रिया के साथ हुआ है वो सब बातें तुम्हारे मन में गलत असर डाल रही हैं, शायद इसीलिए उसे ऐसी डरावनी चीज़ों का भ्रम हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शांति से सो जाओ, अनाप शनाप बातों को मत सोचो। कभी कभी लोग आंखें खोलकर भी सपना देख लेते हैं। चलो सो जाओ, मैं खिड़की को बंद कर देती हूँ, तुम एसी चला लो। ये बात बोलते हुए उसके पेरेंट्स उसके रूम से चले आते हैं। शामली बिल्कुल सहम चुकी थी, उसने जो भी देखा था उसका सपना नहीं था, उसका कोई भ्रम नहीं था, वो हकीकत थी और इस बात पर उसे भी पूरा भरोसा था। पूरी रात डरी हुई थी शामली और सोई भी नहीं थी, जिस कारण सुबह उसे तेज़ बुखार आ गया था। इसी वजह से वो जॉब पे नहीं जा पाई थी। तबीयत ठीक ना होने के कारण उसकी आँख दवाइयाँ खाकर कब लग गई उसे ही पता नहीं चला। दोपहर को उसकी नींद खुलती है, उस समय उसकी माँ उसके लिए खाना लाती है और अपने हाथों से शामली को खाना खिलाने लगती है। शाम का वक्त होता है और शामली के सारे दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे हालचाल लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले। रात हो जाती है और शामली को अब भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और रह कर वो खिड़की की तरफ ताकने लगती है। जैसे जैसे करके उसे नींद लग जाती है, लेकिन रात के ठीक 1:30 बजे उसकी नींद खुलती है, जिसका कारण था उसे अपने वार्डरोब से कुछ चरचराने की आवाज़ आती है। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए बेड से उठती है वो और अलमीरा के पास बढ़ती है और धीरे धीरे उसे खोलने लगती है। पहले तो सोचती है शायद कोई चूहा है, लेकिन जैसे ही वो अलमारी को खोलती है सामने से उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसका चेहरा बिल्कुल ही कटा हुआ था, कपड़े बिल्कुल ही फटे हुए थे, आंखें एकदम लाल और बहुत ही भयानक तरीके से वो हंस रही थी। शामली उस वक्त एक पत्थर की मूर्ति बन चुकी थी जो कि चिल्ला भी नहीं पा रही थी। उसके गले को मानो किसी ने बंद कर दिया हो और देखते ही देखते वो लड़की शामली के गले को पकड़ लेती है। शामली मानो जैसे अब मरने ही वाली थी। वो लड़की उसके गले को पकड़ के जोर से बिस्तर की दूसरी तरफ पटक देती है और शामली बेहोश हो जाती है। उसे होश आता है सीधा सुबह और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। हॉस्पिटल में पता चलता है उसे कि किसी ने उसे जोर से पटक दिया था जिसके कारण उसके चेहरे पर कट्स आ गए थे। उसे होश आता है तो उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि ये सब किसने किया था, तो अपने माता पिता को पूरी बात बता देती है और कहती भी है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और ये उसके मन का कोई ख्वाब नहीं है, वो बिल्कुल होशोहवास में है। उसकी दयनीय अवस्था देखकर उसके माँ पापा भी बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं और उसकी बातों को मान लेते हैं। पूछताछ करते हुए वो लोग उसी दुकान पर जाते हैं जिस दुकान से शामली ने उस कपड़े को लिया था। दुकान काफ़ी अंदर की तरफ थी
और दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुरानी लग रही थी। श्यामली के माता पिता अंदर जाते हैं और अंदर जाने के साथ ही उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है, जैसे सालों से ये दुकान बंद हो। वो लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो चारों तरफ पुराने कपड़े बिखरे हुए पाते हैं, कपड़ों में जाले से लग गए थे। दुकान वो इतनी ज़्यादा सड़ गई थी कि शायद ही वहाँ पर सालों से वहाँ पर कोई आया हो। आसपास के लोगों से पूछताछ भी करी उन्होंने, पर पूछने पर पता चलता है कि कई साल पहले ही वो दुकान बंद हो गई थी। किसी साइको ने उस दुकान के मालिक और मालकिन को मार डाला था। वो एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उसने बहुतों का कत्ल किया था। उसके दिमाग की हालत बिल्कुल ही खराब थी। पुलिस ने उसका एनकाउंटर उसी दुकान के अंदर किया था और दुकान को ताला भी लगा दिया था। बाद में बहुत लोग आए उस दुकान को खरीदने के लिए, साफ सफाई भी कर देते, लेकिन जैसे ही बनाने के लिए वहाँ पर काम शुरू होता, आधे दिन भी कोई टिक नहीं पाता। कहते कि उस लड़की की आत्मा उस दुकान के अंदर भटकती है। इस डर से वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता था। आप कैसे इस दुकान के बारे में पूछ रहे हैं? किसी सज्जन व्यक्ति ने श्यामली के माता पिता से पूछा। उसके माता पिता ने सारी बात उन्हें बता डाली। उनकी बच्ची के साथ ये सब हो रहा है। बात तेजी से फैल गई। उस दुकान के आगे नो एंट्री का बोर्ड भी लग गया। बड़ी सी ग्रिल उस दुकान के आगे लगा दी गई ताकि चाह कर भी वहाँ पर कोई जा ना पाए। पंडितों द्वारा पूजा पाठ भी कराया गया और उस दुकान को मंत्रों का जाप कर बांध दिया गया ताकि कोई भी मासूम उस जगह का शिकार ना हो पाए। श्यामली जो कि अपने हॉस्पिटल के रूम में थी, उसे ख्याल आता है कि जो कपड़ा वो वहाँ से लाई थी, उसने तो उसके बारे में अपने माता पिता को याद ही नहीं दिलाया कि वो उसे फेंक दें। उसके माता पिता उससे हॉस्पिटल में मिलने आते हैं तो श्यामली कहती है वो कपड़ा अभी उसके वार्डरोब में है, आप जाकर उसे फेंक दो। श्यामली के पापा जल्दी से घर जाते हैं और उस कपड़े को बाहर ले जाकर उसमें मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा देते हैं। जैसे ही उस कपड़े में आग लगती है, सामने से वो लड़की दौड़ती हुई चिल्लाती हुई उसके पिता की ओर बढ़ती आती हुई दिखाई देती है। श्यामली के पिता दौड़कर उस जगह से बाहर भाग जाते हैं और पीछे एक बार ही मुड़कर नहीं देखते। बहुत ही भयानक आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है, मानो कोई जिंदा मानव जल रहा हो, चिल्ला रहा हो। कुछ दूर दूर खड़े होकर बिना पीछे मुड़े वो इन सब चीज़ों को सुनते हैं और अचानक से आवाज़ शांत हो जाती है। धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो देखते हैं कि वो कपड़ा बिल्कुल ही जल चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, फिर भी हिम्मत करते हुए वो सीधा मंदिर जाते हैं और वहाँ से पंडितों को लाकर अपने घर का शुद्धिकरण करवाते हैं। इन सब बातों को धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। श्यामली अपने घर वापस आ जाती है। प्रिया, जिसकी हालत में अब थोड़ा सा सुधार आ गया था, वो कोमा से बाहर आ गई थी। दोनों के मन में ही काफ़ी ज़्यादा डर था। श्यामली अपने कमरे में बैठी हुई थी और इन सब बातों को सोचे जा रही थी। वो खिड़की की तरफ जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। अब सब कुछ ठीक सा लग रहा था। वो अपने आप से कहती है कि उसे खुद को शांत करना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। वो हिम्मत भरी नज़रों से बाहर की तरफ देखती है और जोरों से सांस लेते हुए अपने आप से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। बात पुराने समय में शुरू होती है, जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। घटना की शुरुआत मनोहर से होती है, जो डाक खाने में काम किया करता था। उसका मासिक वेतन ठीक ठाक ही था, जिससे घर चल जाया करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और दो बच्चे रहते थे, बड़े बेटे का नाम रुपेश और छोटी लड़की का नाम मीनाक्षी। दोनों ही बच्चे अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे, उनका सारा कहना मानते थे। बात एक रोज़ की है, जब मनोहर डाक खाने में काम कर रहा होता है, उसकी नज़र डाक खाने के बाहर दीवार पर लगी एक घड़ी की ओर जाती है, जिसे वो बहुत ही गौर से देखने लगता है। ब्रिटिश दौर था और वो घड़ी भी ब्रिटिशों की लगाई हुई एक वॉल क्लॉक थी, जो कि दिखने में काफ़ी आकर्षक थी। मनोहर मनीमन सोचता है, जिस व्यक्ति ने अपना काम समय के अनुसार किया, वो कभी पीछे नहीं रहता। उसने मनीमन में सोचा, एक छोटी सी घड़ी खरीदकर घर ले जाऊंगा और एक कमरे में कहीं उसे रख दूंगा।
जिससे वो साफ साफ दिखे। शाम होती है और जैसे तैसे मनोहर काम करके डाक खाने से निकलता है और मार्केट की ओर बढ़ जाता है। बाजार से वो कुछ आने की मिठाइयाँ खरीदता है और घड़ी खरीदने के लिए आसपास की दुकानें देखने लगता है। उसे सुंदर सी लाल रंग की घड़ी पसंद आ जाती है और वो उसे खरीद लेता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। घर में उसकी बीवी बच्चे घड़ी को देखकर बहुत खुश होते हैं। चलो, घर में कुछ नया सामान आया था, बहुत दिनों बाद ही सही, छोटा ही क्यों ना हो पर बहुत अच्छा था। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मनोहर के डाक खाने में कुछ जरूरी काम होने के कारण उसे पूरा एक दिन उस डाक खाने में गुजारना पड़ता है। उसने पहले ही अपनी पत्नी को इस बात की जानकारी दे दी थी। उस रोज काम करते वक्त किसी की बात उसके कानों में जा रही थी। कोई कह रहा था कि शायद अंग्रेज बाबू सभी क्रांतिकारी योद्धाओं को खत्म कर रहे हैं। मनोहर के कान में जाता है, इस डाक खाने के डिप्टी हेड बहुत ही सख्त हैं और हिंदुस्तानियों से बहुत ही नफरत करते हैं। मनोहर इन बातों को सुनकर काफी हद तक परेशान हो गया था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मनोहर अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी पीछे से मानो किसी के चलने की आवाज आती है। उस वक्त पूरे डाक खाने में सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे थे, एक मनोहर और दूसरा बिरजू जो कि दूसरे कमरे में था। वो खिड़की से साफ साफ उसे दिखाई दे रहा था। फिर वो कौन था जिसकी आहट मनोहर के कान में आ रही थी? वो हिम्मत करके पीछे की तरफ बढ़ता है और चारों तरफ आंखें घुमाकर देखने लगता है, पर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। अपने मन का भ्रम समझकर वो अपने कान में वापस लग जाता है कि अचानक से उसे एक सायरन की आवाज सुनाई देती है। कुछ धुआं सा उठता दिखाई देता है। दरअसल किसी ने उस डाक खाने में आग लगा दी थी। आग बहुत तेजी से कमरे में फैल रही थी। मनोहर दौड़ता हुआ बिरजू के कमरे में जाता है और दोनों बाहर की तरफ दौड़ते हैं। चारों ओर भीषण अग्नि फैल चुकी थी और सब कुछ धुआं धुआं होकर चल रहा था। बिरजू जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए खिड़की से कूद जाता है। बाहर गिरते के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि मनोहर उस भीषण अग्नि में जलकर मर गया था। उसे काफी बुरा लगता है। मनोहर कितना सीधा साधा व्यक्ति था, ये सब न जाने कैसे हो गया। अभी इन सब बातों को सोच ही रहा था कि पीछे से वही खूंखार अंग्रेजी डिप्टी हेड उसे दिखाई पड़ता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से हंस रहा था। बिरजू सोचता है क्या इसी ने आग लगाई थी? सिर्फ 2 व्यक्ति को मारने के लिए उसने पूरे डाक खाने में आग लगा दी। उसके मन में कई सारे सवाल पनप रहे थे। यही सोचते सोचते वो धीरे से उठता है और अपने घर की तरफ बढ़ चलता है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर आते हैं, जो आग पर काबू पाने के लिए निरंतर पानी डाल रहे थे। बिरजू दूसरे दिन मनोहर के घर जाता है और उसके परिवार वालों से मिलता है और काफी अफसोस जताता है। उसके परिवार वाले बहुत रो रहे थे। घर में एक मनोहर ही था जो कि कमाता था और उससे बढ़कर परिवार वालों ने किसी बहुत अपने खास को खो दिया था। मनोहर का बेटा बिरजू उससे पूछता है कि क्या हुआ था, आग कैसे लगी, आखिर सब हुआ कैसे। बेटे की इस बात का जवाब बिरजू के पास भी नहीं था। उसके मन में खुद ढेरों सवाल थे जिनका जवाब पाने में वह असमर्थ था। अतीत के पन्नों में ये सब बातें दबकर रह गई थी और किसी को कोई पता ही नहीं चल पाया कि मनोहर की मृत्यु का जिम्मेदार आखिर कौन था। खैर, समय बीतता है, समय को आखिर कौन रोक सकता है। धीरे धीरे समय आ गया था नए युग का। नया युग, नई सोच, नई पीढ़ी, लोग आजाद हैं, लेकिन शायद आज भी अपने मन में एक अलग ही चीज से बंधे हुए हैं। प्रियांश, अतुल, विजय और साहिल चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। चारों फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे एक ही डिग्री कोर्स में। एक दिन कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स को किसी टूर पर ले जाने की बात होती है। उस जगह का नाम था रायपुर। वहाँ बहुत ही पुराने समय में ब्रिटिश राज हुआ करता था। वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बहुत प्रसिद्ध इमारतें बनाई थी। सभी स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड थे उन बिल्डिंग्स को देखने के लिए अपने टूर को लेकर। अतुल
जो कि खास इंटरेस्टेड नहीं था। वो अपने तीनों दोस्त प्रियांश, विजय और साहिल को वहां जाने से मना करने लगता है। अतुल कहता है, किसी बोरिंग से ट्रिप पर जाने से अच्छा है हम लोग एक नई मूवी देख लें, फिर बाद में किसी मस्त से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। प्रियांश उसकी बात को काटते हुए कहता है, मूवी तो हर रोज देखते हैं यार, चल ना जाके देखते हैं, वहां पर ऐसी हिस्टोरिकल चीजें देखने का मौका बार बार नहीं मिलता, इट विल बी वंडरफुल, प्लीज यार चलना। जैसे तैसे तीनों दोस्त अतुल को मना लेते हैं और वो दिन आता है जब सभी स्टूडेंट्स उस दौरे के लिए रवाना होते हैं। कॉलेज के टीचरों ने पहले ही उस जगह की एक एक जानकारी निकाल ली थी और सभी स्टूडेंट्स को उस जगह की जानकारी दे रहे थे। प्रियांश जो कि काफ़ी एक्साइटेड था, वो इधर उधर देख रहा था और विजय और साहिल भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बट अतुल बेमन उनकी बातों को सुने जा रहा था और अपना सर हाँ में हिलाया जा रहा था, वरना वैसे उसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। सभी लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और एक इमारत को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी थी। दीवार बहुत ही काली पड़ गई थी, दिखने में काफ़ी एंटिक लग रही थी। आगे बढ़ाते हुए टीचर्स स्टूडेंट्स को बताते हैं किसी ज़माने में ये बहुत ही बड़ा डाक खाना था, काफ़ी लोगों की रोज़ी इसी से चलती थी, पर अचानक एक दिन आग लगने की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। अतुल उस जगह को ध्यान से देख रहा था, देखते ही देखते साइड की दीवार पर उसकी नज़र गई और उसे वहाँ एक बड़ी सी घड़ी दिखाई देती है। वो अपने दोस्तों से पूछता है, ये घड़ी इस दीवार पे लगाने का क्या मतलब है, क्या वो इस इमारत को सुंदर दिखाना चाहते हैं। उसका इशारा वहाँ के केयर टेकरों पर था। साहिल अतुल से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे आने का मन नहीं था, पर तुम बेतु की बातें तो मत बनाओ, कौन सी घड़ी की बात कर रहे हो तुम, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। पहले अतुल के दोस्तों ने और फिर धीरे धीरे सभी ने अतुल की बात को काटते हुए कहा कि वो यहाँ से जाना चाहता है, तभी ऐसी बातें बना रहा है और सबको परेशान कर रहा है। अतुल चुप हो जाता है और भौचक्का सा एक जगह पर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली में अतुल को वो घड़ी दिख रही थी। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा म्यूजियम बनाया गया होता है जहाँ पर इमारतों पर से मिली हुई कुछ पुरानी चीज़ों को बहुत ही संभाल कर रखा गया था। एक एक चीज़ें दिखाई जाती हैं, उन चीज़ों में से एक चीज़ थी वही घड़ी जो पुराने वक्त में मनोहर ने उस डाक खाने की बाहर दीवार पर देखी थी। अतुल उस घड़ी को देखता है और नोटिस करता है कि उस इमारत पर देखी हुई घड़ी और यहाँ इस म्यूजियम में रखी हुई घड़ी में कोई अंतर नहीं है। वो धीमे कदमों से उस घड़ी की ओर बढ़ता है और उसे टच करने की कोशिश करता है। अतुल ने अभी उस घड़ी को हल्का सा छुआ ही था कि मानो उसे एक जोर का बिजली का झटका लगता है और उसके शरीर में वो एक करंट सा दौड़ जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है और कुछ पल के लिए अधमरा सा हो जाता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को उसी डाक बंगले में पाता है जिस दिन वहाँ पर भीषण आग लगी थी और मनोहर की जान गई थी। वो छटपटाते हुए वहाँ से भागने लगता है और ये सोचता है कि वो किस जगह पर आ गया है। उसे कुछ आवाज़ सी सुनाई पड़ती है और वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है। वो देखता है कि वहाँ दो व्यक्ति अलग अलग कमरों में काम कर रहे हैं और पीछे से एक अंग्रेज उन दोनों को घूरे जा रहा है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी मशाल है और उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हंसी दिख रही थी। वो देखता है कि वो अंग्रेज डाक खाने के बाहर निकल रहा है और अतुल भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि वो अपनी मशाल से डाक बंगले की खिड़की में आग लगा देता है। अतुल जोर से चिल्लाता है और उसे कहता है, ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या, अंदर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं क्या तुम्हें उनकी जान की फिक्र है या नहीं, कौन हो तुम। अतुल ये सब अभी कह ही रहा था कि उसने देखा कि उसके हाथ में वो मशाल थी और वही उस इमारत को आग लगा रहा था। उसके तो मानो होश ही उड़ गए थे। उसने झटके से उस मशाल को अपने हाथों से फेंक दिया और दौड़ता हुआ डाक बंगले के अंदर चला गया। वहां जाकर उसने मनोहर और बिरजू को वहां से निकलने के लिए कहा। बिरजू जो कि जैसे जैसे खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया, लेकिन मनोहर बुरी तरह अंदर फंस चुका था और मदद के लिए चिल्लाया जा रहा था। अतुल अपना जैकेट निकालता है और मनोहर को जैकेट उड़ाते हुए उसे लेकर बगल वाली खिड़की से छलांग लगा देता है और बेहोश हो जाता है। अतुल की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को अपने समय पर पाता है। उसके सर से खून आ रहा था, हाथ आधा जल चुका था और माथे पर पसीना था, कपड़े भी जल चुके थे।
और जब थोड़ा होश संभला तो समझ आया कि उसके मुंह पर पानी मारा जा रहा था। वो अधमरा सा उठता है और सभी लोग उसे स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। सारी बात वो अपने दोस्तों विजय, साहिल और प्रियांशु को बताता है। उसकी बात सुनकर तीनों ही कुछ डर सा जाते हैं। उन तीनों को और अतुल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या था। अतुल के दोस्त अतुल को हॉस्पिटल में छोड़कर उस जगह की हिस्ट्री निकालने के लिए अपने टीचरों से, स्थानीय लोगों से, सभी से पूछताछ करने चले जाते हैं। दूसरे दिन अतुल के दोस्त उसे लेने के लिए आते हैं और घर ले जाते वक्त गाड़ी में अतुल को कुछ बताते हैं। वो बताते हैं इस इमारत के जलने का कारण एक अंग्रेज को बताया जाता है जो उसी डाक बंगले का डिप्टी हेड था। अतुल झटके से सोचता है कि जब उस अंग्रेज को आग लगाते हुए वो देखता है तो अचानक से वो मशाल अपने ही हाथों में पकड़े हुए पाता है। इसका मतलब ये है कि शायद पिछले जन्म में उसने ही वो आग लगाई थी। अतुल को बचपन से ही आग से बहुत डर लगता था। बिजली की चीजें, यहाँ तक कि घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड तक को हाथ लगाने से वो डर जाता था। पिछले जन्म में उसने जो पाप करा था वो उसका प्रायश्चित करना चाहता था। बहुत कोशिशों और मेहनत और समय खर्च करने के बाद वो मनोहर के परिवार का पता लगा देता है। मनोहर का बेटा रुपेश और उसका बेटा आर्यन, वो उससे मिलता है और उसे सारी बात बता देता है। रुपेश का बेटा आर्यन अतुल को समझाते हुए कहता है कि शायद उसने कोई सपना देखा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास सच है, लेकिन मेरे परिवार में कोई भी जलकर कभी नहीं मरा। हाँ, मेरे दादाजी यहाँ काम किया करते थे, वहाँ आग जरूर लगी थी, लेकिन मेरे पिता कभी भी ऐसा नहीं बोले कि उनके दादाजी की मौत अग्नि में जलकर हुई है। अतुल असमंजस में पड़ जाता है और फिर भी उसे इस बात की खुशी होती है कि उस दिन किसी की मृत्यु तो नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसे सारी बात समझ में आ गई थी। वो समझ चुका था कि उसने अपने पापा का प्रायश्चित उसी जन्म में वापस लौटकर कर लिया है। भगवान जाने कैसी वो शक्ति थी जो अतुल को उस दौर में ले गई और उस दौर में किए गए गुनाहों को ठीक करने का मौका दे दिया। इन बातों को गुजरे हुए कुछ वक्त बीत जाता है और अब अतुल किसी भी चीज से नहीं डरता था, ना आग से, ना ही बिजली के बोर्ड से। जिंदगी इत्मीनान से चली जा रही थी। कुछ घटनाएं हमसे अकस्मत हो जाती हैं और कुछ जानबूझकर, पर अगर हमें एक मौका मिल रहा है उस गलती को सुधारने का तो क्यों ना हम उसे सुधार लें। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।